तो हेलो गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जोमेटो के शेयर के बारे में। तो जोमेटो का आईपीओ अराउंड 15 जुलाई 2021 को आया था, जो कि ₹76 के आसपास था, और मिनिमम 14,040 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था। और इसका जो लॉट साइज, दैट इज़ 195 शेयर्स खरीदना पड़ा था मिनिमम। जिन्होंने खरीदा तो उन लोगों को 195 शेयर्स मिनिमम खरीदना पड़ा था। और ये लिस्टिंग हुआ 23 जुलाई 2021 को, ये लिस्टिंग हुआ शेयर मार्केट में। इसका प्राइस ₹116 में लिस्टिंग हुआ, जो कि 40 रुपीज़ का गेन हो गया पर शेयर, जो कि हम लोग बोल सकते हैं अगर परसेंटेज में बोले तो 52.60% गेन हो गया। तो इसका जो अभी प्रेजेंट प्राइस है वो है 131.20 रुपीज़। तो दोस्तों देखिए, अभी अगर हम लोग देखेंगे तो इसको ऐसे लगेगा कि ये तो प्राइस थोड़ा सा घट रहा है, इसका निगेटिव में आ रहा है। पर दोस्तों देखिए, ये तो इसका कितना देर हुआ, इसका सिर्फ एक महीना भी नहीं हुआ लिस्टिंग होने को, और हम लोग अभी से इसका प्राइस रिटेंशन ठीक से नहीं कर सकते। बात अगर मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बोलूँ तो इसका फ्यूचर बहुत है, क्योंकि दोस्तों देखिए, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। हम लोग आजकल मार्केट में कम और फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में कपड़ा या फिर जूता या फिर जो भी ऑनलाइन का हम लोग चीज़ें या फिर घर का चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग ऑनलाइन मांगना ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं, पर एज़ कम्पेयर टू मार्केट जाना। तो दोस्तों बेसिक हम लोग फूड का भी अगर बोलेंगे तो जोमेटो या फिर स्विगी में ही हम लोग ऑर्डर देते हैं ज़्यादातर, और फ्यूचर में ये बहुत बढ़ेगा, ये इससे भी ज़्यादा इसका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। ये अभी तो सिर्फ 131 है, तो इसका फ्यूचर में 1000 या फिर 2000 होने में भी कोई बड़ा बात नहीं है। तो दोस्तों इसलिए आप लोग अगर ये खरीदना चाहते हैं तो अभी ये खरीद सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इसका बहुत ही आप लोग को मुनाफा देगा। और मैंने भी इसको अगर मार्केट कल खोलेगा या फिर परसों में अगर थोड़ा सा अभी डाउन आएगा तो मैं भी खरीदूंगा। तो आप लोग भी इसे खरीदिए, इसके आप लोग को बेस्ट आप लोग को फायदा देगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।